हेलो फ्रेंड्स, रैपेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और फ्रेंड्स घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना सिलाई मशीन के फेस मास्क बनाना बताऊंगी। यदि मान लीजिए आपके पास सिलाई मशीन नहीं है और आपके पास हॉट ग्लू गन मशीन भी नहीं है, तब भी आप सुई और धागे की मदद से फेस मास्क बना सकते हो। ये देखिए, मैंने हाथ से बनाया ये सुई और धागे की मदद से, और आप घर में जैसे कोई भी आपके पास नया या पुराना कपड़ा पड़ा हो उससे आप ले सकते हो। और ये देखिए, मैंने प्लेट ली है, इसका डाया 11 इंच है। ये बड़ों के लिए 11 इंच डाया बहुत है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप 9 इंच का डाया ले लीजिए, और बड़े बच्चों के लिए आप 10 इंच का डाया ले लीजिए। ये तीन साइज है, 9, 10 और 11। हम 11 इंच के डाये फुल साइज का बना रहे हैं मास्क। इसको आपको इस तरह से रखना है और ये मार्किंग कर लेते हैं। आपके पास जैसे कोई भी चौक हो या पेन हो, किसी से भी आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये कपड़ा हमने गोल में कटिंग कर लिया, अब हमें इस तरह से इसको मिलाना है, देखिए, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। चार फोल्ड हो गए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास चार पीस हो गए। अब हमें इसको चार पीस को इसको इस तरह से हमें उल्टा करके और यहाँ सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें इसी तरह से करना, सुई और धागे से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे इसको। ये गोलाई की साइड में हमने दोनों पीस में सिलाई लगा दी है। इसको आपको इस तरह से रखना है, सीधा करके, और एक पीस को ऐसे रखें और इसको आप सीधा सीधा, यानी आपको दोनों अंदर रखना है इस तरह से। और अब हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये सीधा करने के लिए इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे। इतना सा हम खुला छोड़ देंगे इसको सीधा करने के लिए। अब हम यहाँ पे पक्का कर लेते हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा कर दिया। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मोड़ना है और एक और बार इस तरह से मोड़ना, इतना रखिए कि आपका इलास्टिक इसमें आसानी से चला जाए। ये देखिए, ये इलास्टिक इसमें आसानी से चला जाए, इतना आपको रखना है ये होल। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इस साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप, मैं आपको बताती हूँ, ये डोरी बनाई हमने, ये डोरी भी आप यहाँ पे सिल सकते हो। ये दोनों तरफ हमारे इसमें सिलाई हो गई। अब हम इसके लिए इलास्टिक लेंगे, और इलास्टिक की लंबाई है 9 इंच की, क्योंकि ये मास्क फुल साइज का, इसलिए इसमें 9 इंच का इलास्टिक लेंगे। और अगर मीडियम साइज का मास्क बना रहे हो तो आप 8 इंच ले सकते हो, और अगर छोटी साइज का बना रहे हो तो आप 7 इंच ले सकते हो। इसको डालने के लिए आप पिन भी ले सकते हो या कोई वायर है इस तरह का, वो भी ले सकते हो। ये देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ गटान लगा सकते हो, लेकिन मैं गटान नहीं लगा के मैं यहाँ सुई और धागे से इसको सिल दूंगी। जो जॉइंट लगाया हमने उसको हम इस तरह से अंदर कर लेंगे यहाँ पे, ताकि वो बाहर दिखाई नहीं दे और देखने में अच्छा लगे।
ये देखिए हमारा मास्क बनकर रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से आप सुई और धागे की मदद से भी फेस मास्क बना सकते हैं। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो तब भी इस मास्क को यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, इसे यूज करने से पहले गर्म पानी और साबुन से धो लें। और इसके अलावा भी मैंने अलग अलग तरीके के मास्क बनाए हैं, स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।